अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सल्वेकिया गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 एंड 2024 की डिटेल्स। स्लोवक रिपब्लिक ब्रिटल स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 के बारे में आपको फर्ज़ तमाम चीज़ें जो है वो बताएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ स्लोवक रिपब्लिक ने जो है मेरिट पे स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट की है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम में। तो वो जो है वो इन सब्जेक्ट में फर्दर जो है वो स्कॉलरशिप्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग, एग्रीकल्चर तमाम फील्ड जो है वो शामिल हैं, और ये जो है वो दी जा रही हैं स्लोवक गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से। फर्दर तमाम डिटेल्स आपको बताते हैं कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। कंट्री स्लोवक रिपब्लिक है। ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस रिसर्च एंड स्पोर्ट्स ऑफ स्लोवक रिपब्लिक। अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2023 है। कैंडिडेट्स कौन से अप्लाई कर सकते हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल लेवल क्या होना चाहिए? बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्दर आपके साथ डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट्स जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स हों इन बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी लेवल में, रिसर्च प्रोफेशनल हों। कैंडिडेट्स जो है वो इन कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हों तो वो इस गवर्नमेंट से अप्लाई कर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर हम कंट्रीज़ के नेम नीचे देखेंगे। स्कॉलरशिप्स में जो है वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हासिल होनी चाहिए, क्योंकि जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स विद एक्सेलेंट परफॉर्मेंस एकेडमिकली, पर्सनली, प्रोफेशनली, तो वो सिलेक्टेड किए जाएंगे। जिनकी पर्सनली जो है वो पर्सनैलिटी अच्छी होगी, एकेडेमिक प्रोफेशनली जो है वो अच्छे होंगे, तो वो सिलेक्ट किए जाएंगे। फर्ज़ हम देख लेते हैं कि किन कंट्रीज़ में जो है वो दी जाएगी। अगर तो आप इन कंट्री से इलेक्ट करते हैं, यानी कि आप इन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिलारस, बेल्जियम, फ्रांस, बल्गेरिया, चाइना, ये फर्दर तमाम, इजिप्ट, फिनलैंड, इटली, इसराइल, कजिकिस्तान, पोलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, रशिया, ये तमाम जो ममालिक हैं इनसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसकी जो है वो स्टीफन अमाउंट की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ट्यूशन फ़ी, लिविंग अलाउंस, और जो 4000 यूरो पर मंथ फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, 734 यूरो पर मंथ फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, एंड 1015 पर यूरो पर मंथ यूनिवर्सिटी टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए जो है वो। रिकोलेशन ग्रांट, ओवरसीज स्टूडेंट्स की हेल्थ रिकवर, जो भी तमाम अखराज होते हैं, सिंगल मेंबरशिप, बुक अलाउंस, फर्दर फैसिलिटीज़ जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे? तो एडमिशन कवर लेटर, ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, वैलिड वीज़ा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस फ्रॉम योर प्रोफेसर, मोटिवेशनल लेटर, अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी वेबसाइट के ऊपर मेंशन होंगे। प्रोसीजर क्या अप्लाई करने का? थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट आप अप्लाई करेंगे, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, बैचलर के लिए, एमएस के लिए, पीएचडी के लिए, प्रोफेसर रिसर्चर के लिए अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें। तमाम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कंप्लीट करें। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 है। अगर तो स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो फर्दर उन्हें जो है वो स्कॉलरशिप नहीं दी जाएंगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। कैसे अप्लाई करेंगे? तो आप अप्लाई करेंगे थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, अपना अकाउंट जो है वो बिल्ट अप करेंगे, दैन एप्लीकेशन डाउनलोड करके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड आप मेंशन करेंगे, और दैन आप मोटिवेशन लेटर रेफरेंस देकर अपनी जो भी आपके हैं अपलोड करेंगे आप। हाउ मच स्टीफन अमाउंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बैचलर के लिए 400 यूरो, और जो है पी एच डी लेवल की 734 यूरो, एंड जो यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए 1015 यूरो जो है वो पर मंथ है। और अप्लाई करने के लिए आप कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग इन तमाम ममालिक से जो ताल्लुक़ रखते हैं तो वो अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। तो ये थी हमारे पास जो है वो स्लोवेकिया गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की डिटेल, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर की जा रही है, और अच्छी अमाउंट जो है वो स्टीफन अमाउंट यहाँ पे ऑफर की जा रही है। तो अगर आप या आपके कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो उन्हें ज़रूर बताएँ। और मज़ीद नई वीडियोज़ की मज़े बने रही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।